मंगलवार दोपहर लगभग 3 बजे भुंडाकोना घाट के पास बस क्रमांक MP 13P 9577 नियंत्रित होकर पलट गई। बताया गया कि बस में 40 लोग सवार थे जो कि महाराष्ट्र के थे। नर्मदा परिक्रमा के चलते अमरकंटक आ रहे थे। बस इंदौर की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार किसी भी यात्री को ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। 7 से 8 लोगों को ही मामूली चोट आई है, जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य केंद्र अमरकंटक लाया गया है। बताया गया कि भुंडाकोना घाट पर कठिन मोड़ है, जहां बाहरी ड्राइवरों को थोड़ी दिक्कत होती है। यही कारण है कि यह बस नियंत्रित होकर पलट गई। अच्छी बात है कि इससे हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। कहाँ से? इंदौर से हैं। कहाँ से आ रहे थे आप? जबलपुर से आ रहे थे अमरकंटक। अच्छा, फिर टर्निंग पर कुछ नहीं, अचानक टर्निंग पर गाड़ी पलटी खाई धीरे से। ठीक बात है। चोट वोट कितने लोगों को आई? 7-8 लोग को आया, मुझे भी लगा हाथ में। अच्छा अच्छा, बाकी को लेकर गए व्यवस्थित होगा, सब आश्रम पहुँच गए। कौन आश्रम जा रहे थे आप लोग? होटल उसका नाम नहीं पता। अमरकंटक जा रहे थे। ओके ओके, तो कोई ऐसा घायल तो नहीं हो जो सीरियस हो? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत खरोच आया मेरे टाइम में। अच्छा, कितने लोग रहे होंगे? 40 लोग। 40 लोग थे बस, स्टाफ मिला के 40 लोग। स्टाफ मिला के